तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया हो। शेयर कर दिया करो यार फटाफट। ऐसे क्या ऐसे लिए बैठे रहते हो? अकेले देखोगे क्या? अरे किसी और को भी दिखाओ यार, किसी और का भी भला करो। तो चलो करते हैं आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। आप शेयर कर दो इसको। और एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 7.2, पीछे वाले वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और प्लेलिस्ट को भी आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को आप मेरे साथ पढ़िएगा और मैं साथ साथ डायग्राम बनाऊंगा, और आपके लिए बोर्ड पे लिखा हुआ है जिससे कि आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, या फिर मैं कह सकता हूं कि जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए आसानी हो जाएगी। बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को, यानी ए बी है, उसको 4 बराबर भागों में बांटना है। यानी मेरे पास एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, इनको 4 भागों में बांटना है। इसके निर्देशांक है -2, 2 और इसके निर्देशांक है 2, 8। बस अब हो जाएगा काम। देखना यहां पे आपको दे रखा है, ये वाला है आपका ए पॉइंट, ये वाला है बी पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट -2, 2, इसके कोऑर्डिनेट 2, 8। 4 भागों में बांटना, यानी 3 बार इसको काटूंगा, 1, 2 और 3। 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ, 4 बराबर भागों में बट गया। मैं लिख सकता हूं ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1। इसको मैं नाम दे देता हूं, इसको मैंने नाम दे दिया ई, सॉरी इसको मैं नाम दे देता हूं सी, इसको नाम दे देता हूं डी और इसको नाम दे देता हूं ई। कंफर्म है इतना? अब आपको क्या करना है, इनके आपको निर्देशांक की तो ज्ञात करने हैं, यही तो पूछा है ना। एक बार मैं क्वेश्चन को देख लेता हूं, इनके क्या करने हैं, चारों बराबर भागों में विभाजित करना है, उनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इस पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करूं तो मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ डी। मैं इस डी पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करूं तो क्या होगा, इधर भी आपका 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, इधर भी 1 और 1, 2। यानी दोनों पार्ट सेम है, यानी यहां पे मध्य बिंदु फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, मध्य बिंदु का। और मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2। हर क्वेश्चन के अंदर रिपीट कर रहा हूं मैं आपके लिए, y1 + y2। यानी अब भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी के कोऑर्डिनेट ज्ञात कर रहे हैं, यहां से x1 + x2 / 2, y1 + y2 यानी 2 + 8 / 2। तो आप देखेंगे यहां से -2 + 2 = 0, यानी ये हो गया 0। 2 + 8 कितना होता है, 10। 10 में 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 5 जा 10, यानी इसके निर्देशांक आ जाएंगे मेरे 0.5। हो गया काम इतना। अब देखना है इसके निर्देशांक मैंने ज्ञात कर दिए कितने हैं, 0.5। अब देखो मुझे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं, तो मैं लिख रहा हूं कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो देखो मैं सी पॉइंट के ज्ञात करूंगा, तो एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देखना, आगे वाले को भूल जाओ। ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा डी पॉइंट है, सी पॉइंट यहां पे है। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो ये हैं, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो ये हैं। अब देखो ये एक भाग है और ये एक भाग है, तो इसके लिए ये दोनों बराबर हो गए, तो इसके अंदर भी मध्य बिंदु का फॉर्मूला लग जाएगा। तो x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। तो यहां से -2 + 0, यानी -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1, और यहां से कितना हो जाएगा, 2 + 5, यानी हो जाएगा आपका 7 / 2। यह आ गए आपके सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और यहां से मैं निकालूंगा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ ई पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ई। तो देखो ई के लिए क्या होगा, ये डी और बी का मध्य बिंदु हो गया ना, तो यहां से भी आप x1 + x2, यानी आप लगा सकते हो x1 + x2
अपॉन टू और वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। तो यहां से हो जाएगा जीरो प्लस टू टू अपॉन टू कोमा एट प्लस फाइव यानी थर्टीन हो जाएगा और टू, तो ये हो जाएगा आपका, इसको डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा वन कोमा थर्टीन बाई टू। तो हमारे तीन पार्ट निकालने थे और चार टुकड़े किए थे मैंने बराबर बराबर, जिसके अंदर इन तीनों के निर्देशांक निकालने थे। तो डी पॉइंट के तो मैंने पहले निकाल लिए, जीरो कोमा फाइव आ गया। उसके बाद कोऑर्डिनेट सी के निकाले जो कि मेरे माइनस वन कोमा सेवन बाई टू आए। उसके बाद मैंने ई पॉइंट के निकाले जो कि वन कोमा थर्टीन बाई टू आ गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो मिलेंगे नए वीडियो के अंदर, धमाकेदार शुरुआत करेंगे। और अभी भी नहीं समझ में है छोटा सा कमेंट करना, इजाजत देना, नए वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान और राम राम सर।